नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आपका मेरे YouTube चैनल द रियल स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है और मैं एडवोकेट अजुंत उपाध्याय आज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और वो रिलेटेड है कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से और कुछ अपने देश से ली गई हैं तो कौन सी कौन सी चीज़ें हमारे बाहरी देशों से ली गई हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो हर तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि ये चीज़ जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आज अब इसी पर चर्चा करेंगे और इंडियन पॉलिटी का मतलब मैं बता दूं मतलब कि भारतीय राज व्यवस्था भारत का जो राजपाठ है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें हम संविधान के अकॉर्डिंग समझते हैं चाहे यहाँ का नागरिक हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई अदर अथॉरिटी हो उसका सारा राजपाठ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया इसमें मैं अलग अलग वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा आज हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं उस पर हम बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे वीडियो में इंडियन पॉलिटी के और इस इंडियन पॉलिटी में मैं आपको चैप्टर आज सेवन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें है भारतीय संविधान में देशी तथा विदेशी स्रोत मतलब बाहर से और यहाँ देश में से क्या क्या चीज़ें ली गई वो सारी चीज़ों पर हम बात बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं 1928 की नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं 1928 की ये 28 अगस्त को डेट इसकी है नेहरू रिपोर्ट की और इस रिपोर्ट में एक सदस्य मतलब सॉरी एक कमेटी बनाई गई थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और ये नौ सदस्यीय कमेटी थी जिसमें दो मुस्लिम थे और बाकी के साथ गैर मुस्लिम थे और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है किस परिपेक्ष से मैं आपको बताता हूँ उस समय एक अंग्रेज हुए थे आ, अंग्रेज का नाम था डेकन डेकन हैड नाम के एक अंग्रेज़ थे जो ये कहते थे कि हिंदुस्तानी पढ़े लिखे नहीं है समझदार नहीं है गवार है इनको अकल नहीं है कि संविधान कैसे बन सकता है एक भारत का संविधान बनाना बच्चों का बच्चों की मतलब खेलने की चीज़ नहीं है जो ये अनपढ़ भारतीय बना सकें ये उसका कहना था तो नेहरू रिपोर्ट में उसका प्रत्युत्तर दिया गया था कि हम संविधान को बना भी सकते हैं और संविधान को कैसे चला सकते हैं ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था इसीलिए इस नेहरू रिपोर्ट को प्रतिउत्तर जो दिया गया था संविधान का जो उत्तर दिया गया उसको ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है मतलब प्रतिउत्तर का ब्लू प्रिंट तो सबसे पहले ये 1928 में आई थी और फिर इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1935 में भारत शासन अधिनियम ये बहुत इम्पॉर्टेंट था अगर ये कहें दिस वॉज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों अगर इसमें से 1935 के भारत शासन अधिनियम को हटा दिया जाए तो संविधान में कुछ रह नहीं जाता है और संविधान बहुत अधूरा हो जाएगा क्योंकि दो तिहाई या दो तिहाई से कुछ ज़्यादा चीज़ें संविधान में भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था उससे ली गई हैं और इसमें जोड़ी गई ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में विकास संबंधी स्रोत मतलब कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ इसमें कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई और लाई गई सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है अध्यादेश अध्यादेश आप जानते हैं इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस जो या तो राष्ट्रपति या गवर्नर पास करता है और अभिसमय अभिसमय कहते हैं इंग्लिश में कन्वेंशंस कन्वेंशन Convention मतलब जो वहाँ की रूढ़ियाँ हैं जो यूसेज हैं उनको कहा जाता है कहा जाता है अभिसमय जो अंग्रेजों का जो शासन था या अंग्रेजों को जो संविधान था वो लिखित नहीं है वो केवल अभिसमय पर चलता है कुछ चीज़ें उसकी बाद में जाकर लिखी गई हैं लेकिन हमने वहाँ की कुछ चीज़ें अडॉप्ट किए हैं इसलिए यहाँ पर अभी समय का भी जिक्र दिया जाना जरूरी है और आगे आता है परंपराएं परंपराएं आप जानते हैं इंग्लिश में ट्रेडिशंस कहते हैं जो परंपरा चली आ रही थी जिस जिस तरह से उसको भी संविधान में कहीं ना कहीं आर्टिकल के रूप में अनुच्छेद के रूप में जोड़ने का प्रयास किया गया संवैधानिक संशोधन बहुत बड़ा इसका हिस्सा है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये भी एक संशोधन करना अगर नहीं होगा समय के अकॉर्डिंग तो कोई भी चीज़ हो उसमें जंग लग ही जाती है न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू मतलब कि कोर्ट किसी भी चीज़ का अपने सामने मामले को लेकर रिव्यू पुनर्विचार पुनरावलोकन मतलब पुनः अवलोकन अवलोकन कर सकता है या इसमें आया न्यायिक निर्णय जो न्यायालय ने निर्णय दिए पहले की कोर्ट्स ने और बाद में तो वो भी एक तरह से कानून का रूप माने जाते हैं संवैधानिक जो टीकाए थी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट्रीज वो भी इसका हिस्सा माने गए और संविधान विशेषज्ञों के विचार जो उनकी थिंकिंग थी थाट्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स उनके भी विचार लिए गए जो इसमें बहुत संविधान को बनाने में कारगर सिद्ध हुए आगे चलते हैं इसमें दोस्तों और समझते हैं संविधान के स्रोत को एक नज़र में यहाँ पर मैं बता दूँ ये जो दिखाई दे रहा है आपको मैप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है और यहाँ पर यूरोप दिखाया गया है ये जगह ये इंडिया है यहाँ पर दिखाया गया है और मैं यहाँ पर बता दूँ भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग दो तिहाई मतलब कि दो तिहाई हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है अब कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अमेरिका सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम अमेरिका के उठाते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिया यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि एक अमेरिका विकसित देश है पढ़ा लिखा देश है एक डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर रिच है तो उसकी चीज़ें लेना भी बहुत जरूरी थी संघात्मक व्यवस्था यहाँ की जो व्यवस्था संघ की मतलब फेडरल जो सिस्टम था वो भी अमेरिका से लिया गया नेक्स्ट आता है न्यायपालिका की शक्ति मतलब कि न्यायपालिका यहाँ पर शक्तिशाली बनाई गई जो जुडिशरी थी उसको पावरफुल किया गया और राजनीतिक आधारभूत संरचना जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स था इसको भी लिया गया है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए वो भी अमेरिका से लिया गया है और लोक सेवा आयोग आप जानते हैं यूपीएससी के बारे में वो भी अमेरिका से लिया गया है ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं इसको पेन डाउन करिए और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कहीं कॉपी पेन पैं, पेंसिल आप जरूर लेकर बैठे और कोई भी चीज़ हो आप मुझे कमेंट करके बताएं कहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और कोई आप अपनी एडवाइस देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों आपातकालीन उपबंध मीन्स इमरजेंसी जो पावर्स थी कि इमरजेंसी कैसे और कब लगाई जा सकती है वो जर्मनी के संविधान से ली गई ओके दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं पूर्व सोवियत संघ पूर्व सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं यूएसएसआर, मतलब कि रशिया रूस जिसको किसी जमाने में जब ये संगठित था तो इसे यूएसएसआर बोला जाता लेकिन जब से ये विखंडित हो गया छिन्न भिन्न हो गया तो इसको ये छोटा होके रशिया रह गया तो वहाँ से लिए गए मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनके बारे में बहुत बताऊंगा डिटेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पर चल रहे हैं उसी को हमें पकड़ना है तो ये यूएसएसआर से लिया गया था आगे चलते हैं हम अमेरिका के और पॉइंट्स हैं मैं बताई देता हूं डिटेल में अमेरिका से और क्या लिया गया है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए इसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से वन बाई वन क्योंकि ये क्वेश्चन में बिल्कुल समझ लीजिए आएगा ही अब नेक्स्ट आता है इसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो जिसकी जो इसका ढांचा है जो इसकी संरचना है सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा कितने जजेस होंगे क्या इसकी पावर्स होंगी सबसे ऊपर होगा या नहीं होगा ये सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई संविधान की सर्वोच्चता मतलब अगर देश में कोई ऊंचा है सबसे ऊंचा जो डेमोक्रेटिक राज्य है मीन्स राज्य भी कह सकते हैं अगर हम पॉलिटी में पढ़ते हैं तो देश को राज्य बोला जाता है वैसे हम कंट्री बोलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा देश है सबसे ऊपर इसमें संविधान है न कोई राष्ट्रपति है न कोई प्रधानमंत्री है न कोई भी पावरफुल व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो सबसे ऊपर है संविधान इसीलिए संविधान पर आपने देखा होगा कि संविधान में एक डंडा रखा रहता है मीन्स संविधान सबसे ऊपर है न्यायिक पुनरावलोकन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिव्यू करने की जो पावर थी वो भी अमेरिका से ली गई और न्यायाधीश की स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम ऑफ द जजेस जो जजेस थे उनकी मतलब तो फ्रीडम अगर वो फ्री नहीं होंगे तो न्याय निर्णय नहीं हो पाएगा और न्याय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी अमेरिका से लिया गया और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी हमारा अमेरिका से लिया गया है और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्स ऑफिसियो ऑफिसर वो भी अमेरिका से लिया गया है कैसे होना चाहिए कितना कार्यकाल होना चाहिए इस समय वेंकैया नायडू हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही पदेन सभापति होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो वहाँ पर ऑप्शन आ सकते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या एडवोकेट जनरल तो आपको उपराष्ट्रपति पर टिक करना होगा ओके राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ये सारी की सारी वेस्टेड थी किसमें राष्ट्रपति में ये चीज भी ली गई अमेरिका से राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश मतलब कि जो हेड तीनों सेनाओं का होगा यहाँ पर दिखाई गई है भारतीय Uh, आपकी आर्मी है थल सेना, नौ नौसेना और वायु सेना मतलब नेवी एयर फोर्स और आर्मी तीनों सेनाओं का जो कमांडर है हेड है सेनापति है वो कौन है राष्ट्रपति बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ज़रूर आता है आगे चलते हैं दोस्तों जापान जापान को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखाया गया है जापान इस जगह ये चीन से थोड़ा सा लगा हुआ है ईस्ट में तो जापान से किया लिया गया है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये भी जापान से ली गई है क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो प्रोसीजर है उसको जो क्या होगा लॉ द्वारा एस्टेब्लिश होगा जो भी प्रक्रिया होगी वो सारा का सारा ये जापान से लिया गया कैनेडा कनाडा जैसे मैंने आपको इससे पहले कनाडा का ये ये दिखाई दे रहा है ये मैप कनाडा दिखाई दे रहा है तो इसमें ये कनाडा है यहाँ पर दिखाया गया है ये रेड रेड निशान है तो आप देख सकते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बताई देता हूँ ये यहाँ पर अमेरिका का ये से आ रहा है तो अमेरिका तो पड़ जाता है इधर आपके इंडिया के अगर देखा जाए तो ईस्ट में पड़ता है और उसी से ऊपर यहाँ जैसे अमेरिका दिखाई दे रही है इससे ठीक नॉर्थ में चले जाइए तो आपको मिलेगा कैनेडा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैनेडा है पूरा तो कैनेडा से क्या लिया गया है सरकार की संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ये कैनेडा से लिया गया है और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ बड़ी पावरफुल होती हैं रेजिडरी पावर्स इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेजिडरी पावर्स ये भी केंद्र के पास होती है इसको भी हम कनाडा से लिया गया है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर्स का वितरण होगा ये चीज़ कनाडा से ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों सातवीं अनुसूची जो आती है आपकी समवर्ती और इसमें तीन तरह की है, स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट और आपका यूनियन लिस्ट भी कहते हैं जैसे कंकरेंट लिस्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है नेक्स्ट आता है प्रस्तावना की भाषा जो प्रियम्बल है हमारी जो उद्देश्य है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है नेक्स्ट इसमें आता है केंद्र राज्य संबंध मतलब केंद्र का और राज्यों का संबंध ये भी कैसा होना चाहिए कितना होना चाहिए तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है अगर केंद्र और राज्यों में किसी मामले में डिस्प्यूट होता है तो केंद्र सरकार के जो बात को ज़्यादा वज़न दिया जाएगा इन कंपेरजन टू स्टेट तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ये चीज़ यहाँ बताई गई है आगे आ जाता है इसमें आयरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट नीति निर्देशक तत्व में हल्का सा ब्रीफ में आपको बता दूं मतलब कि सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है अपने राज्य में ऐसी ऐसी नीतियों को लाएगी जो देश के उस राज्य के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी होगा तो ये ऐसा कर सकती है लेकिन ये नीति निदेशक तत्व में जो बताया गया है कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको करना ही है या नागरिकों को उन्हें मानना ही है ये एक नीतियां हैं जो आने वाले भविष्य में अकॉर्डिंग टू टू द टाइम चलती रहेंगी और हर राज्य पूरा देश उन चीज़ों को अकॉर्डिंग टू टाइम करेगा ही उन्हें कहते हैं नीति निर्देशक तत्व ये निर्देशन है ये आयरलैंड से लिया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो क्वालिटरल रोल होता है और जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का वो भी आयरलैंड से लिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है ये और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में उसको पावर है ही कैन अपॉइंट यहाँ पर अपॉइंट वर्ड नहीं आएगा ही कैन नॉमिनेट मनोनयन वो मन से अपॉइंट सॉरी नॉमिनेट कर सकता है उसके नयनों में जो चढ़ जाए मतलब उसके मन में जो बस जाए उन लोगों को वो मनोनयन uh, कर सकता है नॉमिनेट कर सकता है लेकिन वो लोग होने चाहिए समाज में एक्सपर्ट होने चाहिए समाज सेवा में मतलब सेवा भाव रखते हों देश के लिए करते हों साहित्य में एक्सपर्ट हों कला में विज्ञान में क्षेत्र में इस तरह से अगर वो एक्सपर्ट लोग हैं तो उनको राष्ट्रपति चाहे तो मनोनयन कर सकता है नॉमिनेट कर सकता है जैसे आपने देखा होगा हेमा मालिनी को किया गया राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को किया गया इसी तरह से बहुत सारे लोग वो हैं राष्ट्रपति कर सकता है ये लगभग बारह लोग होते हैं जिनको वो मनोनयन कर सकता है आगे आता है इसमें ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर 200 साल और बल्कि उससे ज़्यादा भी शासन रहा व्यापारियों के रूप में और फिर एक शासक के रूप में तो यहाँ पर उनको सीखना और उनकी चीज़ों को लेना हमारे अंदर एक तरह से नेचुरली जरूरी हो गया तो कुछ चीज़ें हमारे ऊपर उनको लाई गई ली गई जिससे एक तरह से वो हमारे आका अन्नदाता माने जाते थे उस समय तो लेना ज़रूरी हो गया क्योंकि हम ग़ुलाम थे लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है तो वहाँ से क्या लिया गया संसदीय प्रणाली मतलब फेडरल जो सिस्टम था वो वहाँ से लिया गया और एकल नागरिकता जो मतलब एक ही नागरिक होगा एक देश का अमेरिका की तरह नहीं होगा कि ड्यूअल सिटीजनशिप होगी यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है वो ब्रिटेन के कानून से लिया गया है अमेरिका में क्या है कि अमेरिका का नागरिक है तो वो न्यूयॉर्क का भी नागरिक माना जाएगा लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि वो इंडिया का भी है तो आपका क्या कहते हैं यूपी का है अगर वो इंडिया का है तो आपका एमपी का भी है अगर वो इंडिया का है तो वो आपका त्रिपुरा का भी है मिजोरम का भी है या आपका क्या कहते हैं तमिलनाडु का भी है ऐसा नहीं है यहाँ पर भारतीय है वो इंडियन है हिंदुस्तानी है चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो तो एकल नागरिकता यहाँ पर बताई गई विधि शासन विधि का शासन यहाँ पर बताया गया रूल ऑफ लॉ जो मैं आपको आर्टिकल 14 में बढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी यहाँ पर इन शॉर्ट बता देते हैं ये भी ब्रिटेन के कानून से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रोसीजर टू मेक लॉ तो जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी वो भी ब्रिटेन के कानून से ली गई कि कितने वोटिंग लोकसभा में पढ़ेंगे राज्यसभा में पड़ेंगे फिर आगे लास्ट में प्रेसिडेंट के साइन होंगे और कितना बहुमत होगा ये सारी प्रक्रिया ली गई संसदीय विशेषाधिकार यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री प्रिवलेज थे पार्लियामेंट्री प्रिवलेज इसमें संसद में बहुत सारे प्रिवलेज दिए गए जैसे आप देखते हैं कि संसद में अगर कोई बैठा है कोई स्पीच दे रहा है डिबेट कर रहा है तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी और उसमें वहाँ पर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो पुलिस कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी इस तरह की या इससे अलग हटके और भी बहुत सारी प्रिवलेज इसमें विशेषाधिकार दिए गए हैं चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ये मैंने आपको बता दिया जो बहुमत सिद्ध कर देगा वो क्या बनेगा इसको अपना आ, सरकार बना पाएगा और दुई सदना व्यवस्था द्वि सदनात्मक यहाँ पर दो सदन की व्यवस्था थी लोकसभा और राज्यसभा इसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन थे इसको मिलाकर जो पार्लियामेंट बनती है लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिलाकर संसद बनती है ध्यान रखना है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर हमारी संसद बनती है लेकिन ये जो व्यवस्था है द्विसदनात्मक व्यवस्था है दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है ये देख सकते हैं यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है साउथ अफ्रीका का तो इसमें से लिया गया है ये आपका ब्रिटेन का मैप है यहाँ पर छोटा सा ब्रिटेन है लेकिन यहाँ से लिया गया बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही दिखा दी अब साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब संविधान में संशोधन अमेंडमेंट कैसे होगा किस किस तरह से होगा तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपनी सलाह भी दें उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम और प्लीज़ लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो घंटी है एक बार आप उसे दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा और दूसरी बात आप अपने दोस्तों को जो भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं जी से उनको आप शेयर करें ये अगर आप करते हैं तो इतना ही योगदान हमारे लिए कुछ बटन दबा के अगर आप योगदान करते हैं उतना ही आपको बहुत बहुत हमारा योगदान होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और इसके लिए धन्यवाद ओके बाय बाय थैंक यू वेरी मच